हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेसिंग स्टेरो। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल, हेल्दी, हैप्पी, सेफ एंड साउंड। गाइस, आज की जो अभी का कार्ड रीडिंग है वो है सिंगल्स के बारे में, कि सिंगल्स के लाइफ में न्यू लव कब आएगा, ठीक है। कब आप लोग अपने पार्टनर से, ट्रू पार्टनर से, सोलमेट से, फ्यूचर स्पाउस से, लवर से, या जो भी आप कह लें, उनसे कब मिलेंगे, इसके बारे में काफ़ी रिक्वेस्ट थी कॉमेंट सेक्शन में। तो मैंने सोचा इसके लिए अलग से रीडिंग होनी चाहिए फॉर ऑल माय ब्यूटीफुल सिंगल बटरफ्लाइज, ठीक है। तो ग्रुप आपको चूज़ करना है, ग्रुप वन ब्लू बटरफ्लाई, ग्रुप टू ग्रीन बटरफ्लाई। तो आप अपनी इंट्यूशन के अनुसार अपना ग्रुप चूज़ करें, ठीक है। मेडिटेट कर लें, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें, आँखें बंद करके अपने 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 गॉड को याद कीजिएगा, और उसके बाद जो बटरफ्लाई आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे उसको चूज़ कर लें, ठीक है। तो मैं आप सबकी रीडिंग पे मिलती हूँ। हाय माय डियर ब्लू बटरफ्लाइज, आइए आपका देखते हैं आपके पार्टनर कब आपको मिलेंगे। पहले मैं ना दो स्प्रेड लगाऊंगी, सही है। एक होगा आपकी एनर्जी, एक होगी आपके उनकी एनर्जी, ठीक है। तो उन दोनों एनर्जीज का एनालिसिस करके तो मैं आपको बताऊंगी कि किधर फिर रहे हैं वो, ठीक है, क्यों नहीं आ रहे आपके पास और कब आएंगे। चलें जी, पहले आपकी एनर्जी है, आपकी एनर्जी है सिक्स ऑफ सोर्स, ओके, लिब्रा एक्वेरियस या जेमिनी है, और आपकी एनर्जी है कार्मा या जजमेंट, और आपकी एनर्जी है स्ट्रेंथ, इट इज़ गुड, और आपके पास है पेज ऑफ कप्स, ओके। तो गाइस, आपकी जो एनर्जी मेरे को दिख रही है ना, ये है जी सिक्स ऑफ सोर्ड्स की। ये पॉसिबिलिटी है कि आपके जो कुछ लोग हैं आप में, जो कि उन्होंने अपने पीछे जो प्रीवियस ब्रेकअप हुआ है उसके साथ कट ऑफ करके अब आप मूव ऑन होने का सोचा है, एंड न्यू लाइफ आप चाहते हैं, एंड आप भूलना चाहते हैं पास्ट को। या आपका कोई पार्टनर नहीं भी था तो आपके कुछ पास्ट या चाइल्डहुड ट्रॉमाज ऐसे हैं कि आप उनको भूल कर आगे जाना चाहते हो। एंड बट ये जो कार्मा कार्ड है ना, ये आपको आपके इस फैसले को ठीक कहता है कि आपने ये फैसला बिल्कुल ठीक लिया है, और आपको बहुत गमों के बाद आपको थोड़ा सा सुकून आया है कि ठीक है, नहीं तो ना से ही, ठीक है, ओके। लेकिन आप स्ट्रेंथ में हो, आप शक्ति में हो, आप ताकत में हो, दैट्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी। आप अभी तक स्ट्रेंथ में हो, आपने होप नहीं छोड़ी है अपने पार्टनर को लेकर के कि मेरे को ज़रूर मिलेगा। आप पॉजिटिव हो एंड आप एक गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, पेज ऑफ कप्स, ठीक है, पेज ऑफ कप्स, अपनी गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। आप डे ड्रीम करते हैं, आप अफर्मेशन मेडिटेशन वगैरह भी करते हैं, एंड बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे ख्वाब सपने सजा रखे हैं अपने पार्टनर को लेकर के कि वो जब आएंगे मेरी लाइफ में तो ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ठीक है। ये डे ड्रीमिंग का कार्ड होता है, तो थोड़ी सी आपको प्रैक्टिकल भी होने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मेरे ख्याल में कुछ लोग हैं यहाँ पर जो सिर्फ दुआओं और प्रार्थना मेडिटेशंस एंड सिर्फ मतलब स्पिरिचुअल ही काम चला रहे हैं। आप प्रैक्टिकली थोड़ा सा काम उनका स्लो है, जो कि अच्छी बात नहीं है गाइस, प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है। अपने ऊपर सेल्फ केयर करें, अपने करियर पर ध्यान दीजिए, स्पेशली अगर आपको लाइफ पार्टनर की सूरत में सोलमेट चाहिए ना, तो आपको प्रैक्टिकली अपना अपने करियर पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। कुछ लोग अनॉयड हो जाते हैं जी, क्या जी, प्रैक्टिकली अब नहीं बना करियर तो क्या सोलमेट नहीं मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये भी होता है कि अपने ऊपर सेल्फ केयर करना, अपना सेल्फ हीलिंग करना,
ठीक है, जो अपने आप को हील्ड रखेगा पास्ट वूंड से, बहुत जल्द रिकवर कर जाएगा, उसकी उतनी जल्दी सुनी जाती है प्रार्थना, प्रेयर एंड मैनिफेस्टेशन। ठीक है जी, ऑल राइट। तो अभी हम आपके ना पार्टनर के, ज़रा मैं देख लूँ एनर्जी क्या है। ऑल राइट गाइज, आइए देखते हैं कि अब आपकी एनर्जी क्या है। सॉरी, आपके पार्टनर की, आपके तो देख लिए, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है एंड क्या। ओके, एस ऑफ वॉन्स, एस ऑफ वॉन्स है यहाँ, एट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कप्स। ओके गाइज, पहली बात तो यह है कि जो आपके पार्टनर है ना, वो अभी उनकी पॉसिबिलिटी है कि, मतलब उनकी ये पॉसिबिलिटी है कि वो अब कह लें कि ब्रेकअप उनका किसी के साथ पॉसिबल है, वो अभी किसी रिलेशनशिप में है एंड उनका ब्रेकअप हुआ, ठीक है, या हो रहा है या कंप्लीशन है। डिवोर्स भी कुछ लोगों के केस में हो सकता है, उनका डिवोर्स चल रहा है, कंप्लीशन चल रहा है, बट आपके जो पर्सन है वो ना अभी ना अभी वो मेरे ख्याल में एक्शन लेने के ना उसमें नहीं है, वो भी कहीं से मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है। ही इज़ ऑल्सो मूविंग ऑन फ्रॉम हिज रिलेशनशिप राइट नाउ, बट ये है कि उनकी जो एनर्जी है एस ऑफ वॉन्स एंड टू ऑफ कप्स की, वो चाहते हैं कि कहीं पर न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट किया जाए, बट उनको अपना सोलमेट चाहिए, टू ऑफ कप्स, ठीक है, उनको अपना सोलमेट ही चाहिए, उनको अब दोबारा से कार्मिक के साथ डील नहीं करना। ओके, तो अब बात ये आती है कि आप लोगों का मिलन कब होगा, ठीक है, कब आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। आपके जो पर्सन है ना, उनके साथ अभी पास्ट में या रिसेंट पास्ट में बहुत बुरा हुआ है, किसी ने उनको धोखा दिया है, इस टाइप की कुछ एनर्जी है उनकी, ठीक है। तो बहरहाल वो किसी पर ट्रस्ट नहीं करेंगे सिवाय अपने सोलमेट के, जो कि आप हो, अगर आप सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आपसे वो मिलेंगे तो ऑब्वियसली उनको एक नया पैशन उनके लाइफ में आएगा, उनकी नज़र में, उनके दिल में एक नया होगा। अच्छा, अब देखते हैं कि आपके मिलन कब होगा आप दोनों का, ठीक है। तो मिलन आपका, ओके, डोर टू स्पिरिट एंड वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, मिलन आप लोगों का गाइज, पहली तो बात यह है, आपको या उनको फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं, ठीक है। यू गाइज आर हैविंग गोइंग थ्रू फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजर रहे हैं एंड पॉसिबिलिटी है कि आप अपने नियर फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा अपनी फिनेंसिस को लेकर के सीरियस हो जाओ एंड काफ़ी पैसा कमाने लगो, ठीक है। तो आपकी बिजनेस से या आपकी जॉब से जिधर आप काम करते हो वहाँ पर ही आपको मिल सकते हैं, लेकिन डोर टू स्पिरिट ये कहता है कि आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, आपको स्पिरिचुअलिटी में कूदना पड़ेगा, उसमें जंप करना पड़ेगा, उसमें भीगना पड़ेगा, आपको डिवाइन में, स्पिरिट में, स्पिरिट गाइड से आपको गाइडलाइन लेनी पड़ेगी, आपको मैनिफेस्ट इनको करना पड़ेगा। जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं नंबर्स, वो हैं 26, 13, 6 मंथ्स हो सकते हैं, 13 मंथ्स हो सकते हैं, 32 किसी की एज हो सकती है उनकी या आपकी, 5 नंबर मेरे को नज़र आ रहा है, 5 महीने या 6 महीने, ठीक है। 24 एक किसी की एज है यहाँ एंड 23 नंबर है एंड ये कुछ मंथ्स हैं, मैं आपको बता रही हूँ मंथ वाइज, ठीक है। एंड इस तरह आपको इन मंथ्स में, मुझे ज़्यादा देरी पता नहीं क्यों, मुझे ज़्यादा देरी नहीं लग रही है बट ज़्यादा जल्दी भी नहीं है मेरे ख्याल में, 6-7 महीने से लेकर के ना ऑनवर्ड्स आपका मिलन में आप दोनों के वाइब्रेशन है जो है ना, वाइब्रेशन जुड़ना लगेंगी एक दूसरे को, आप दोनों जो है ना वो आप डिवाइन आपको एक दूसरे से अलाइन करने लगेगा, आपकी
जो एनर्जीज हैं दोनों के जुड़ने लगेंगे। उसकी वजह ये है कि जो पर्सन है ना आपके, वो भी अब यही चाहते हैं सोलमेट, क्योंकि पहला उनको कार्मिक था उनका पार्टनर, उनको अब वो नहीं चाहिए। वो बहुत ही इज़ डन विद दैट पर्सन, उनको अब कार्मिक नहीं चाहिए। वो बहुत परेशान हैं, बहुत वो कह सकते हैं गुस्से में। ये देखिए दिल में कैसे तलवारें किसी ने लगाई हुई हैं। एंड कार्मिक्स तो फिर ऐसे ही करते हैं ना, ठीक है। तो बट बहरहाल आप जो हो आप अपना इनर वर्क जारी रखो, एंड अपना जो आप करना चाहते हैं लाइफ में कर रहे हो, अपने फाइनेंसिस पर तो ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा। बिकॉज मुझे आपका फ्यूचर आपके फाइनेंसिस की तरफ से काफ़ी ब्राइट लग रहा है। जो लड़कियाँ या लड़के अपने फाइनेंसिस पर काम करें, कीप डूइंग दैट, लेकिन आपने स्पिरिचुअलिटी को नहीं छोड़ना, मैनिफेस्टेशंस को नहीं छोड़ना। ऑलराइट, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, उनको भी हो फाइनेंशियल ट्रबल्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, बट यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट है आपको। कौन आपका मतलब ये पर्सन शायद किसी लीगल फ्रेमवर्क से भी हो सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब शादी भी होता है। डेफिनेटली आपका शादी इससे ज़रूर हो जाएगा इन नियर फ्यूचर, कुछ महीने हैं, ज़्यादा देर मेरे को नहीं लग रही। अपनी वाइब्रेशंस हाई रखिए, ठीक है, ताकि इससे भी ज़्यादा तेज़ी से आपका डिवाइन टाइम आए। ठीक है जी, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। बाय बाय एंड आई लव यू। हेलो ग्रुप टू, माय ग्रीन बटरफ्लाइज, आई देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो किधर उड़ते फिर रहे हैं और आप क्या कर रहे हो। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे जी आपकी एनर्जी। पहले मैं दो स्प्रेड लगाऊंगी, ठीक है। पहला स्प्रेड होगा आपका एंड आपकी एनर्जी, एंड उसके बाद दूसरा स्प्रेड होगा जी आपकी पर्सन की एनर्जी, ठीक है। पहले आपके हैं जी हैंगमैन, आप पाइसिस हो, डेथ स्कॉर्पियो हो, टू ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो या कैप्रिकॉर्न्स हो, एट ऑफ सोल्स लिब्रा एक्वेरियस या जेमिनी हो। ओके जी गाइस, आप जो हो आपकी एनर्जी ये बता रही है कि पहली तो बात है हेक्ट पैन, आप काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का, एंड डेथ कार्ड आपकी लाइफ पे अभी भी कुछ ख़त्म हुआ है या न्यू बिगनिंग हुई है किसी चीज़ की, आप शुरू करने लगे हो, ठीक है। आपका किसी के साथ ब्रेकअप भी हो सकता है, या अभी आपका कंप्लीशन हुआ हो, डिवोर्स हुआ हो, या कोई इस तरह का सीन हो कि अभी तक अभी आपका कुछ ख़त्म हुआ है, कुछ नया स्टार्ट आप करने लगे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पॉसिबिलिटी है कि आप दो चीज़ें एट अ टाइम कर रही हैं और काफ़ी बिजी है अपने जॉब में या अपनी पढ़ाई में, स्टडीज में, एंड ऑन द अदर हैंड आपको कोई दूसरा काम भी है, या तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर आपको कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ है घर में, घर के हालात ठीक नहीं है, बरहाल बहुत बर्डन है आप पे किसी चीज़ का, या फैमिली कार्मिक है, ठीक है। एट ऑफ जो सॉर्ड्स है वो ये बताता है कि ओवर थिंकिंग आप बहुत करते हो, बड़ी आपको ऐसे लगता है एवरीबडी मैनिपुलेट्स यू, आप कंफ्यूजन में हैं, ट्रैप्ड फील करते हैं एंड अकेले हैं, बहुत ज़्यादा आप लोनली फील करते हो, और आप चाहते हो कि कोई ऐसा पार्टनर हो जो आपको सपोर्ट हो, जो आपके गम ले ले, जो आपकी परेशानियाँ आपके साथ बांटे, आप उनके साथ बांटे, ठीक है। ये आपकी करंट एनर्जी है, बट यह है कि मुझे ऐसे लगता है आप बहुत बिजी हो अब अपनी लाइफ में पहले के निस्बत। पहले आप पॉसिबिलिटी थी कि बहुत ज़्यादा मतलब टाइम बहुत वेस्ट करते थे, ठीक है, बट आप मुझे ऐसे लगता है कि अब आपकी एनर्जी शिफ्ट हुई है, बहरहाल आपके पार्टनर की एनर्जी ज़्यादा दिखे। ओके जी, थ्री ऑफ सोर्ड्स है आपके पार्टनर का, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है, थ्री ऑफ वॉन्स, थ्री ऑफ वॉन्स एंड फूल कार्ड। गाइज, आपके जो पर्सन है ना, ये पॉसिबिलिटी उनका बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ हो, ठीक है, उनका दिल बहुत टूटा हो और वो किसी से बहुत प्यार करते थे या किसी के साथ वो रिलेशनशिप में थे, उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा दिया। आपके पर्सन फाइनेंशियली मुझे काफ़ी वेल ऑफ लग रहे हैं, काफ़ी रिच पर्सन है, ठीक है। पॉसिबिलिटी उन्होंने उसको बहुत खिलाया, बहुत उसको एंटरटेन किया, बट उन्होंने बदले उनको धोखा दिया
एंड उनका अब उनका दिल उनसे टूट गया। उनका दिल ना जैसे उठ जाता है ना किसी से, वो उनका दिल वहाँ लगता है, नहीं है, मन नहीं लगता उनका। थ्री ऑफ वॉन्स ये बताता है कि ही इज़ वेटिंग कि हालात ठीक हो जाए, कि सब कुछ फिर से जो है वो ठीक हो जाए। वो चाहते हैं कि दोबारा से सब कुछ पहले जैसा हो जाए, या उनका कुछ, या तो वो इसी पार्टनर के साथ रिन्यूअल चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि कुछ नया हो लाइफ में। विद अ फूल कार्ड गाइज, ये पर्सन अपनी लाइफ में एक नया चाहते हैं कि एक नई तरह से लाइफ को वो शुरुआत करें, जिसमें कोई टेंशन ना हो, जिसमें कोई परेशानी ना हो, जिसमें कोई तकलीफ ना हो, जिसमें ये दुख दर्द ये पीड़ा जो उन्होंने सही है देखी है वो ना हो। सही है, तो इन अदर वर्ड्स वो भी आपको सर्च कर रहे हैं। एंड अगर आप उनके सोलमेट है जो कि यहाँ पर आया है, जैसे प्रीवियस लाइफ आपने इकट्ठी गुजारी है, तो वो डेफिनेटली वो बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत वो चाहते हैं कि अब लाइफ दोबारा से उनकी सही हो जाए, एंड एवरीज थिंग शुड गो स्मूथली। तो अब बहरहाल पहले हम ये देख लें कि अभी आप दोनों का मिलन कब होगा, कब चांसेस है कि आप दोनों मिल पाओ। ओके, अटैचमेंट, एंजल ऑफ बैलेंस, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, एन आर्क एंजल, यूरायल, सेवंथ चक्र। गाइज, मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपने अपनी लाइफ पे क्योंकि बैलेंस लाया है, ठीक है, आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में बैलेंस आए, और वो पर्सन भी यही है। और आप में से जो जो लेडीज़ देख रही हैं, गर्ल्स, उन्होंने अपने हार्ट चक्रा पे भी काम किया है, उसकी वजह से आपका दिल ने अट्रैक्ट किया इस पार्टनर को, और आपका मिलन बहुत दूर नहीं है। लेकिन फिर भी स्टिल कोई यहाँ पर मुझे शेडो वर्क नज़र आ रहा है, शेडो साइड है कोई, तो आपका कोई कुछ चीज़ से आपको एडिक्शन है, कुछ चीज़ से आपका अभी भी अटैचमेंट है प्रीवियस रिलेशनशिप्स की। तो उसे अगर आप हटाएं, उन अटैचमेंट्स को दूर करेंगे, तो डेफिनेटली ये जो आर्क के जो यूराइल है एंजल, आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे आपको मिलाने में। बट जो मुझे यहाँ नंबर नज़र आ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, 5, 12, 8 एंड 5, ठीक है, ये मंथ्स हो सकते हैं, इन मंथ्स तक आपको ये पर्सन मिल सकता है किसी तरह, ठीक है। जहाँ तक मैं आपको देखूँ कि आपको मिलेंगे कहाँ, ये आपको किसी कोर्ट में मिल सकते हैं, किसी लीगल काम से जाएं कहीं पर, किसी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र या इस तरह के मामले में ये पर्सन आपको वहाँ मिल सकते हैं, या यहाँ आपको किसी हिल स्टेशन पर मिल सकते हैं, जहाँ पर आप हॉलीडे के लिए जाएं, ठीक है, हॉलीडे के लिए जब वहाँ मिल सकते हैं। और या ये भी हो सकता है कि आपका अगर ब्रेकअप हुआ है किसी के साथ, आप परेशानी में हो, तो यह पर्सन एज अ हीलर आपको मिले, ठीक है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो सकते हैं ये कुछ केसेस में, ठीक है। तो बहरहाल ये ज़्यादा देर नहीं है, क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई हैं गाइस, और उनकी भी हाई है, बेशक उनका दिल टूटा हुआ है, लेकिन जो इनकी जो फूल एनर्जी है ना, इसने इनको संभाल लिया है, और मतलब ये बड़ा समझदार इंसान है, इसने ना ये फुल एनर्जी जो है इनकी, इन्होंने अपने आप को संभाल लिया, ही डजंट केयर एट ऑल। मतलब जो घाव है वो तो रहेंगे ना, मतलब वो तो रियलिटी से तो मुंह नहीं फेर सकते, बट ये पर्सन ना उसने अपने आप को संभाल लिया, अपने वाइब्रेशन को लो नहीं किया, इस वजह से वो समझती कि जो हुआ ठीक ही हुआ, ठीक है। इसकी वजह से ये पर्सन की वाइब्रेशन काफ़ी हाई है, एंड ये बहरहाल ये पर्सन आपको बहुत जल्द मिलेंगे, क्योंकि खुद भी आपको ढूंढ रहे हैं, खुद भी आपको सर्च कर रहे हैं, इनको ऐसे लगता है कि आप कहीं ना कहीं पर हो उनका ट्रू पार्टनर। आपके लिए दोनों के लिए क्या एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, जो परेशानी के दिन थे ना वो ख़त्म हो गए हैं, ठीक है, जो टफ साइकिल आपकी लाइफ पे था वो ख़त्म हो गया है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस, तो आगे आपके खुशियाँ ही खुशियाँ हैं आगे आपके, ठीक है, परेशानी का टाइम ख़त्म हो गया आपका। शो द वर्ल्ड द रियल यू, आपको अपना रियल सेल्फ दिखाना पड़ेगा दुनिया के आगे, ठीक है। तो मतलब
जो आप रियलिटी में हो आप वही शो करो, कोई ज़रूरत नहीं है चीज़ों को क्या कहते हैं अपना आपको वाइब्रेशन लो करने की ज़रूरत नहीं है, ख़ुद को जो है डीग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को किसी से कम समझने की ज़रूरत नहीं है, आप जो हो सबसे अच्छे हो, सही है ना। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ये तो बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले आपको कहा है कि बैठे रहने से कुछ नहीं होता, यू हैव टू डू समथिंग, आपको खुद पे सेल्फ पे सेल्फ हीलिंग पे काम करना है, अपनी सेल्फ की बेटरमेंट। जितना आप खुद पे सेल्फ पे काम कर लेंगे ना गाइस, उतना जल्दी आपको आपका पार्टनर मिल जाएगा, ठीक है। तो सेल्फ हीलिंग करें, अपना फाइनेंसिस पे तवज्जो दीजिए, अपने आप पे तवज्जो दीजिए, लोगों की बातें जो है ना सुननी छोड़ दें, ठीक है। लोग तो जज ही करते हैं चाहे जो भी हो, ठीक है ना। लोगों को जजमेंट्स पे ध्यान नहीं देना, लोग ऐसे ही हैं, लोग ऐसे ही रहेंगे। जो चीज़ हम चेंज कर सकते हैं वो हमारा अपना आप है, खुद को चेंज करें दुनिया खुद ही बदल जाएगी, ठीक है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय, लव यू।